तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्लेन टेबलिंग का चैप्टर अपना कर रहे थे। उसके अंदर हमने क्या किया था, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, जैसे कि आपने कुछ मेथड यहाँ पे प्रैक्टिकली आके भी परफॉर्म करे थे, तो वही चीज़ है। अब थ्योरी में भी हम वही चीज़ डिटेल में पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली, के डिफरेंट मेथड्स जो कि प्लेन टेबलिंग में यूज होते हैं, जिससे कि हम प्लेन टेबलिंग का प्लान बनाते हैं, मैप बनाते हैं, टोपोग्राफिकल मैप बनाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपके सिलेबस में चार मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड रेडिएशन मेथड, सेकंड मेथड इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड मेथड ट्रैवर्सिंग मेथड, और फोर्थ मेथड रीसेक्शन मेथड। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड कवर कर लिया था वो था रेडिएशन मेथड। ये रेडिएशन मेथड आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करा था, और यहाँ पर मैंने थ्योरी में भी आपको लास्ट लेक्चर में ये सारा रेडिएशन मेथड में कैसे ऑफसेट लिए जाते हैं, कैसे जोन सी आपकी डिटेल्स हैं, इनर डिटेल्स हैं। अगर आपने कोई प्लेन टेबलिंग का मैप बनाना है, कोई टोपोग्राफिकल मैप बनाना है, तो उसके अंदर कैसे हम डिटेलिंग, कैसे ऑफसेट्स लेते हैं, कैसे हम सारी डिटेल्स कैसे मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन मेथड, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट मेथड है वो शुरू करेंगे। जो नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट, वो मेथड है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड जो सा, आपने ये भी शायद प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लिया हुआ है, पर थ्योरी में भी है, इसलिए हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है स्टूडेंट? इंटरसेक्शन मेथड सबसे पहले तो यूज कहाँ होता है? इंटरसेक्शन मेथड वहाँ यूज होता है जहाँ पर आपके जो फीचर्स हैं, जो उनसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपने बनाने हैं, जो कि आपने अपने शीट पे बनाने हैं, मैप पे बनाने हैं, प्लान पे बनाने हैं, वो बहुत दूर दूर है, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर दूर, के मतलब कि उनपे उन डायरेक्टली वहाँ पे जाके मेजरमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दूर दूर है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से जो रे ऑफ लाइट आती है उन ऑब्जेक्ट से, उसकी इंटरसेक्शन करवा के, तो दो पॉइंट से, तो हम क्या करते हैं उसकी पोजीशन लोकेट कर लेते हैं अपनी शीट के ऊपर। इसके अंदर ये नहीं होता कि हम अपनी प्लेन टेबल से लेके जाके ऑब्जेक्ट तक लीनियर डिस्टेंस मेजर करें, जैसे कि हम रेडिएशन मेथड में करते थे, वो चीज़ नहीं हम करते। इसके अंदर जो है हम रेज को यूज करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट से आती हुई रे दो स्टेशन पॉइंट से ली जाती है, और जहाँ पर दो रेज इंटरसेक्ट कर जाती हैं वहां पे उस पॉइंट की पोजीशन लोकेट हो जाती है शीट के ऊपर। हम मैं समझाता हूँ आपको, ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। तो डायग्राम देखो, डायग्राम विजिबल है सबको? ये वाला डायग्राम दिख रहा है सबको? देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो स्टेशन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट स्टेशन पॉइंट है ये कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब ये ग्राउंड का पॉइंट है। अगर कोई चीज कैपिटल में लिखी हुई है तो वो क्या डिनोट करती है, कि वो ग्राउंड का पॉइंट है। और वही चीज अगर हम उसी जैसे, ये कैपिटल आर है और ये शीट के ऊपर स्मॉल आर है, मतलब इस कैपिटल आर की सेंटरिंग जो है शीट के ऊपर करने के बाद जो पॉइंट शीट के ऊपर आया वो है स्मॉल आर। मतलब स्मॉल आर और वर्टिकल आर वर्टिकली एक ही लाइन में है, सेंटर है। क्लियर? तो दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है आर और दूसरा पॉइंट है एस। दो स्टेशन पॉइंट्स है, मेन स्टेशन पॉइंट्स है। अब हमने करना क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर से शुरू कर लेंगे। जहां से मर्जी शुरू कर लो, आपकी मर्जी है। अगर हम आर से शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, आर के ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना प्लेन टेबल सारा सेट कर लेंगे। उसमें क्या कुछ करेंगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स, जिसे हम सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल कहते हैं। क्या होती है वो सब, एक होती है लेवलिंग, एक होती है सेंटरिंग। जब हम टेबल शिफ्ट करते हैं फिर हम ओरिएंटेशन भी करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेशन पे करेंगे। पहले हम फर्स्ट स्टेशन से काम शुरू कर रहे हैं, तो ये आर स्टेशन जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेशन है। तो इस स्टेशन के ऊपर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल को लेवल करेंगे। लेवल कैसे करेंगे, उसका जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है उसको खोल लेंगे, उसको अपनी एल्बो की हाइट, अपनी कोहनी की हाइट जितना एडजस्ट कर लेंगे, या जो भी एवरेज हाइट है, अगर ग्रुप में काम कर रहे हो आप तो आपके ग्रुप की जो भी एवरेज हाइट है उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसका क्लैंप कर देंगे, नीचे से उसको कस देंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्पिरिट लेवल लेंगे। स्पिरिट लेवल किस लिए होता है, उसके अंदर क्या होता है, बबल होता है, बबल होता है, एयर बबल होता है। एयर बबल का क्या काम है, अगर एयर बबल सेंटर में है तो आपका जो सा टेबल जो है वो सेंटर में। हम क्या करेंगे, टेबल के चारों कोनों पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर सेंटर में स्पिरिट लेवल रख के देख लेंगे, परपेंडिकुलरली रख के देख लेंगे। अगर स्पिरिट लेवल का जो सा बबल है वो सेंटर में है तो आपका टेबल जो सा सेंटर में है। अगर बबल सेंटर में नहीं आ रहा तो इसका मतलब टेबल वहाँ पे टेढ़ा है, टेल्ट हुआ हुआ है, तो आपने उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना। तो ये काम हो गया हमारा सबसे पहले लेवलिंग का, सिंपल लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देनी शीट। शीट लगा दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, शीट लगाने के बाद देखो, जब भी हम कोई भी सर्वेइंग करते हैं शुरू, चाहे वो कोई मर्जी हो, चेन हो, प्लेन टेबल हो, कंपास, जो मर्जी हो, सबसे पहला काम क्या होता है, हमने मैग्नेटिक नॉर्थ मार्क करनी होती है। तो ये हमारी शीट बनी हुई है, शीट आपके सामने है, इसके टॉप राइट कॉर्नर पे, मतलब टॉप के राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन मार्क कर देंगे। कैसे मार्क करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास। इसकी हमने पढ़ी थी, ट्रफ कंपास होती है, तो ट्रफ कंपास से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन मार्क कर देंगे और एन लिख देंगे।
ये जो चीज दिख रही है आपको, ये शीट है, शीट। इसके बाद ये तो हो गया हमारा, हमने शीट लगा के नोट मार्क कर ली। अब हम क्या करना है, जिस पॉइंट हम आर पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, हम क्या करेंगे, आर पॉइंट को सेंटर करेंगे और उसको अपनी शीट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यू फ्रेम एंड प्लम्बर। अब आप सबको पता, आप सबने काम भी किया, देख भी रखा, कि एक यू फ्रेम होता है इन द फॉर्म ऑफ यू, यू अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, तो उसके नीचे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड प्लम्बर, उससे क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड का पॉइंट होता है वो हम अपने शीट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उस यू फ्रेम का जो सा प्लम्ब बॉब है, नीचे प्लम्ब जो बॉब है, उस प्लम्ब जो है बॉब, उसको आर के ऊपर वर्टिकल कर देंगे और जो यू के बाद जो ऊपरला हिस्सा पॉइंट होता है, पॉइंटेड एंड ऑफ यू, उसको अपनी शीट के ऊपर जहां पर भी होगा वहां पे मार्क कर लेंगे। वहां पर एक पेपर पेन लगा देंगे या जो भी आपके पास कोई भी पेन वगैरह, सिंपल पेन, बॉल पेन, कोई भी आप बॉल पेन यहाँ पे लगा सकते हो, आर पॉइंट पे आ जाएंगे। अब हम आर पॉइंट पे, हमारा अभी तक कितना काम हुआ है, सिर्फ शीट लगी है, आर पॉइंट लगाया है और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे अंकित, अंकित, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम आर पॉइंट पे आ गए। अब आर पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो भी हमने डिटेल्स मार्क करनी है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हम प्लॉट करना चाहते हैं, इंटरनल डिटेलिंग करनी है, जो भी फीचर बनानी है आपने, जो ग्राउंड के एग्जैक्ट जो परमानेंट एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, उसको हमने शीट पर उतारना है, जो भी बनाना है, हम क्या करेंगे उन फीचर्स को साइट करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज कर लो ये आर है, आर हमने, अब ये एक्स है, एक्स कोई पॉइंट है, सपोज कर लो यहाँ पे रॉड ही लगी हुई है, रेजिंग रॉड, यहाँ पे कोई फीचर तो बना नहीं हुआ, सपोज कर लो एक्स के ऊपर क्या है, रेजिंग रॉड लगी है हमने, जो जमीन के ऊपर, ये जमीन का पॉइंट है एक्स, जमीन पे कोई पॉइंट है वहाँ पे दूर, कहीं दूर है काफी, तो यहाँ पे क्या है, प्लेन टेबल से बहुत दूर है ये, तो ये क्या है, एक्स पे कोई रॉड लगी हुई है। हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे अपना जो सा एलिडेड है, एलिडेड, एलिडेड आप सबको पता है एलिडेड किस लिए होता है, कि जो भी फीचर हमने बनाना होता है अपनी शीट के ऊपर उसको साइट करने के लिए होता है एलिडेड। एलिडेड जो आपने यहाँ पे यूज करा था वो था प्लेन एलिडेड। हम क्या करेंगे, आर पॉइंट के साथ जो सा अपना एलिडेड रख देंगे, जो उसकी आईपीस है उससे देखेंगे, आईपीस में क्या होता है, स्लिट लगी होती है, एक स्लिट मतलब देखने के लिए जगह बनी होती है। उसके बाद क्या है, दूसरी तरफ उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेन होती है। ऑब्जेक्ट वेन में क्या होता है, एक हॉर्स हेयर लगा होता है, हॉर्स हेयर मतलब फाइन थ्रेड, कोई भी एक बहुत पतला ब्रेक सा फाइन सा थ्रेड लगा होता है। हम क्या करेंगे आईपी से जो सा एलिडेड के देखेंगे उस रॉड को जो कि एक्स पॉइंट पे लगी हुई है। कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वेन। जब ऑब्जेक्ट वेन जो सा है, ऑब्जेक्ट वेन में जो थ्रेड लगाया वो रॉड के साथ कोइंसाइड कर गया, तो हम क्या करेंगे एलिडेड से अपनी शीट के ऊपर क्या करेंगे लाइन मार देंगे, तो हमारे पास एक लाइन मिल जाएगी। लाइन जो सी है हम उसके उसका एक निशान लगा देंगे टेम्पररी। हमने आर पॉइंट से लेके एक्स तक मेजरमेंट कोई नहीं करी, मेजरमेंट कोई नहीं करी। हम क्या करेंगे, वैसे हमने एक निशान लगा दिया यहाँ पे एक्स पॉइंट के, ये जो सा पॉइंट है, ये जो लाइन मारी है ये एक्स पॉइंट वाली है। फिर हम क्या करेंगे, सपोज कर लो कोई यहाँ पे वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट कोई और दूर पॉइंट है, कोई वहाँ पे रॉड लगा दी हमने, हमने क्या करना है उस रॉड को अपनी शीट पे लोकेट करना। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रॉड लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन जो है हमारा यहाँ आर पे लगा हुआ है, उसके साथ क्या करेंगे एलिडेट रखेंगे। एलिडेट की आई वेन से देखेंगे, ऑब्जेक्ट वेन में जो फाइन थ्रेड लगा हुआ है उससे जो सी रॉड है वाई पे लगी हुई है उसको बाइसेक्ट कराएंगे। जब हमें वो रॉड दिख गई तो हम क्या करेंगे एलिडेट से शीट के ऊपर लाइन मार देंगे, ये हमारी लाइन बन गई जो की है ये अभी फिलहाल आर वाई। हमने अपने प्लेन टेबल से लेके वाई तक कोई डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट नहीं करी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जेड पॉइंट को देखेंगे, जेड कोई पॉइंट है तो हम क्या करेंगे जेड पॉइंट पर रॉड लगी हुई है, तो जब जेड पॉइंट पर रॉड लगी हुई है तो जेड पॉइंट को हम उस रॉड को यहाँ पे आर पे हम रखेंगे अपना एलिडेड और उस पॉइंट को जेड वाली रॉड को बाइसेक्ट कराएंगे, मतलब एलिडेड से देखेंगे। जब वो बाइसेक्ट हो गया एलिडेड के हॉर्स हेयर के साथ, फाइन थ्रेड के साथ, तो हम क्या करेंगे लाइन मार देंगे, ये लाइन लग गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टेशन पॉइंट उसको फिक्स कर लेंगे। सपोज कर लो ये हमारा एस पॉइंट है, राइट साइड वाली फिगर दिख रही है, ये राइट साइड वाला मतलब एस उन्होंने क्या दिया, जहाँ पर हमने शिफ्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है अपना टेबल जो है वो शिफ्ट करना है। अब हम आर से पॉइंट जो है आर से टेबल उठा के हमने एस पे लेके जाना। तो जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ओरिएंटेशन भी करनी पड़ती है। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही एस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक